गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। From the following trial balance of Best Limited, 31st March 15. तो ये एक ट्रायल बैलेंस दिया है, फाइनल अकाउंट बनाना है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, ये चारों का चारों फिक्स्ड एसेट्स है। लैंड कॉस्ट पे है, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस किया जा चुका है, प्लांट में भी सेम बात है, फर्नीचर में, इसका मतलब ये तीनों WDB पर है और ये कॉस्ट पे है। सेलिंग एक्सपेंस PL अकाउंट, अदर एक्सपेंस, डायरेक्टर फी अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी अदर एक्सपेंस। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कॉल सिनेरियर है 1000 शेयर पे, इसका मतलब ये जो शेयर कैपिटल है 20000 शेयर होगा, 10 रुपीज ईच है तो 20000 शेयर होगा, तो जिसमें आप बोल सकते हो 1000 शेयर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, 19000 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ओके, बैड डेट अदर एक्सपेंस में ले लेंगे, सन्ड्री डेटर ये ट्रेड रिसीवेबल होता है, ऑडिट फी अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस धीरे धीरे 5 हो गया। ये इनकम टैक्स एडवांस, ये भी इनकम टैक्स एडवांस, ये करेंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का एडवांस है, दोनों ही इनकम टैक्स एडवांस है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये इन्वेंटरी होगा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, और डिवेंचर इंटरेस्ट ये फाइनेंस कॉस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड, अब चलिए चलते हैं क्रेडिट साइड में। शेयर कैपिटल ये सब्सक्राइब कैपिटल है, जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस का आइटम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस का आइटम है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इट मींस बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना चुका है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको ट्रेडिंग का आइटम दैट इज सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको पुकारते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम परचेज चेंज इन इन्वेंट्री नहीं मिलेगा, इसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ट्रीट कर लेंगे, यही कारण है कि आपका यहां क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर का है 15000, तो यहां आप देखो प्रीवियस ईयर का एडवांस टैक्स 12000 है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन 15000 है। बैड डेट रिकवर्ड ये इनकम है, अदर इनकम में आएगा। ये डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये पीएल अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस पीएल का ओपनिंग बैलेंस है। सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिजर्व या सिंकिंग फंड बोलते हैं इसको। क्रेडिटर्स ये ट्रेड पेएबल होता है। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट किसके ऊपर है आप देखिए ध्यान से, सिंकिंग फंड पे है, तो इनकम तो है ही है, अदर इनकम में नहीं लिया जाएगा बल्कि इसी सिंकिंग फंड में उसको प्लस कर देंगे। मिसलेनियस रिसीट्स अदर इनकम हुआ, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस अदर करेंट लायबिलिटी। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट के लिए आइटम्स, ट्रेडिंग पीएल का भी आइटम हो गया, ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम कहां के लिए है बता दिया गया। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, करेंट ईयर में हम लोग सिंकिंग फंड में 15000 रुपया क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मींस ट्रांसफर करेंगे, तो सरप्लस से माइनस होगा,
और सिंकिंग फंड में प्लस होगा। जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है, सेम चीज है ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। हाँ, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का एसेस्ड हो गया और टैक्स लायबिलिटी हुआ 14,000। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन आपको दिखाए थे, वो प्रोविजन था 15,000 और उसका एडवांस था 12,000, तो 15,000 का प्रोविजन एसेसमेंट हो गया आपका 14,000, तो इसको हमको एडजस्ट करना होगा, उसको हम लोग एक एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। वो देखिए एंट्री क्या लिखेंगे, पहले उसको देख लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर का जो था उसको डेबिट कर दिया 15,000, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। और करेंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी आपका 14,000 हुआ है, तो टू अर्लियर ईयर टैक्स, इसका मतलब हुआ प्रोविजन एक्सेस किया हुआ था, तो अर्लियर ईयर टैक्स रिजर्व सरप्लस में सरप्लस के साथ प्लस हो जाएगा। टू एडवांस इनकम टैक्स, हम लोग इनकम टैक्स एडवांस दे चुके हैं, उसका अमाउंट आपका 12,000 है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। टू टैक्स लायबिलिटी 2,000 बचेगा, 14,000 में सेटलमेंट हुआ, 12,000 एडवांस दिए थे, 2,000 बच गया, ये आपका अदर करेंट लायबिलिटी। ओके, ये अदर करेंट लायबिलिटी में जाएगा, ये रिजर्व सरप्लस सरप्लस में ऐड होगा, ये एडवांस टैक्स कैंसिल हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स कैंसिल हो गया। इसको आप एक बार फिर से देख लो, पिछला ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 था, एडवांस टैक्स 12,000 था और टैक्स लायबिलिटी 14,000 आया। तो इसको फाइनलाइज करेंगे, 1,000 प्रोविजन एक्सेस है, सरप्लस में ऐड कर लेंगे और 2,000 रुपया यहाँ शॉर्टेज पेमेंट है, तो टैक्स लायबिलिटी बोल के शो करेंगे। ये एंट्री हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स को कैंसिल कर दिए, एडवांस टैक्स को कैंसिल कर दिए, ये चला गया सरप्लस में, प्लस होने चला गया और ये चला गया अदर करेंट लायबिलिटी। ओके, अब चलिए एडजस्टमेंट नंबर 3, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन देना है, वो रेमुनरेशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये अदर एक्सपेंस में आएगा और देना है तो अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा, इसका कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखोगे। ओके, करेंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स करना है 45% और उसके ऊपर सरचार्ज करना है 5%, तो जो टैक्स का अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, या आप बोल सकते हो 45% के ऊपर 5% अगर कैलकुलेट करे तो 45 का 5% वो आपका होता है 2.25%, तो 45 और 2.25 दैट इज 47.25% करेंगे तो भी डायरेक्टली हो जाएगा। डेटर को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देंगे, 40,000 डेटर है, मोर देन 6 मंथ है, आपका ट्रेड रिसीवेबल डेटर 1,45,000 है, तो 40,000 को मोर देन 6 मंथ, तो 1,05,000 को लेस देन 6 मंथ। डेप्रिसिएशन देखिए, बिल्डिंग पे 2.5%, प्लांट पे 15, फर्नीचर पे 10%, तो जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ऊपर था, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर देंगे और उसी के साथ ये जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये आपका प्रोविजन है। देखिए यहां लिखा हुआ है अप टू लास्ट ईयर, ये प्रोविजन है, ठीक है। तो जैसे बिल्डिंग का समझिए आप, बिल्डिंग का यहां 5 है, ये WDV 150 है, तो इसका मतलब बिल्डिंग का रियल कॉस्ट 155 था। ठीक उसी तरह आप मशीनरी का समझ सकते हैं, प्लांट का 45,000 प्रोविजन है, यहां आपका 80 है, तो 125 इसका ओरिजिनल कॉस्ट था। तो ऐसे करके पहले प्रोविजन को ऐड बैक करके ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे,
और डबल डेप्रिसिएशन, अप टू डेट डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको नोट्स टू अकाउंट में शो करके दिखाएंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 42,000 है। ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अपने पास 40,500 है, इसका मार्केट वैल्यू 42 बोला है, तो इसका कोई काम नहीं है। नोट्स टू अकाउंट में मार्केट वैल्यू केवल शो कर दिया जाता है, ठीक है। यहां देखिए बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, क्लियर है। ये क्वेश्चन 2010 सीयूबी कॉम ऑनर्स में आया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने मेसर्स बेस्ट लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2015। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पहला आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स को लेते हैं, लेकिन इस सवाल में सेल्स की जगह पे ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ही ले लेंगे 102,250। अदर इनकम में बैड डेट रिकवर्ड का 1500 आएगा, मिसलेनियस रिसीट्स का 3000 आएगा, दैट इज 4500, 106,750, क्लियर है। एक बार आप देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट को ले लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में, ये ले लिए मिसलेनियस रिसीट्स, बैड डेट रिकवर्ड, ये दो इनकम को लिए। इनकम तो वैसे इंटरेस्ट भी है, बट इसको नहीं लिए, ये सिंकिंग फंड में ऐड हो जाएगा, क्लियर। अब आते हैं, चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था तो मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज, इन्वेंट्री ये आपको नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में वेजेस सैलरी भी नहीं है, इम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट 12,000 है। आपको दिखा देते हैं, ये आप देख लो डेबिट साइड, यहां देख लो कोई भी परचेज वेजेज वगैरह नहीं है। ये देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट है 12,000, ये फाइनेंस कॉस्ट हुआ, डिवेंचर ये रहा 2,00,000, 2,00,000 का 6% 12,000 ही हो रहा है, कोई आउटस्टैंडिंग या एडवांस नहीं है। इसके बाद चले आते हैं डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमको नोट्स बना देना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन बोला हुआ है ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू था आपका 1,50,000, डेप्रिसिएशन था 2.5%, 1,50,000 का 2.5%, प्लांट 80,000 था, प्लांट 80,000, 80,000 का परसेंटेज आपका प्लांट का 15% था, फर्नीचर आपका वहां पे 15,000 है, उसका परसेंटेज 10% है, तीनों निकाल के प्लस कर देंगे तो आपका 1,50,000 इंटू 2.5%, ये हुआ 3,750, ये हुआ आपका 12,000, ये आपका हुआ 1,500, तीनों प्लस कर दिए 1,725,000, ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के रूप में लिख दिया जाएगा। ये रहा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 1,725,000, ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में ले आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस का 12,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000, डायरेक्टर फी 2,400, डायरेक्टर फी 2,400, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 38,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 38,000,
बैड डेट 2000, बैड डेट 2000 और अभी है ऑडिट फी 1000, ऑडिट फी 1000 फिलहाल हो गया। एक बार आप देख लो, सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्टर फी, एडमिनिस्ट्रेटिव 3, बैड डेट 4, ऑडिट फी 5। इसके अलावा एक एक्सपेंस अभी और लेंगे लेकिन उसका अमाउंट पता नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर का रेमुनरेशन 5% ऑन प्रॉफिट है, तो पहले हमको प्रॉफिट डिटरमाइन करना होगा। तो हम अदर एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं, 12,000, 2,400, 38,000, 2,000, 1,000, ये अपना आया अभी फिलहाल 58,400। इसमें हम प्लस करेंगे एमडी रेमुनरेशन, तो एमडी रेमुनरेशन कितना आएगा उसके लिए हमको पहले निकाल देना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर एमडी रेमुनरेशन। एमडी रेमुनरेशन के पहले नेट प्रॉफिट कितना है ये जानना है। तो आप देखिए, ये एक्सपेंस अभी तक आया 55,400। अब प्लस ऊपर देखिए, दो एक्सपेंसेस लिखे हम लोग, 12,000 का फाइनेंस कॉस्ट और 17,250 का एक्सपेंस डिप्रिसिएशन का। तो अभी तक एक्सपेंस हो गया आपका 84,650 और टोटल रेवेन्यू है 106,750। यहां निकालते हैं 106,750 माइनस 84,650 माइनस 106,750, फिलहाल 22,100 आ रहा है। तो एमडी रेमुनरेशन कितना होगा, इसी 22,100 का 5%, 22,100 का 5%, तो 1,105, इसको ऐड कर दीजिए 505,56, ठीक है। तो एमडी रेमुनरेशन दिया था तो उसके पहले एक्सपेंस को प्लस कर लिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, नेट प्रॉफिट निकाले 22,100 का 5%, ठीक है। तो 22,100 का 5% आ गया आपका 1,105, इसको ऐड करके टोटल एक्सपेंस ले लिए 56,505। अब ये टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 56,505 प्लस 17,250 प्लस 12,000, टोटल 85,755। ऊपर है 106,750 माइनस कर दीजिए, 106,750 माइनस 85,755, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 20,995। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, एमडी रेमुनरेशन 5% था, 45% टैक्स है, उसके ऊपर सरचार्ज है 5%। अगर चाहे तो हम डायरेक्ट 2.25 प्लस कर देंगे, इसका 5% निकाल के प्लस कर देंगे, या आप कैलकुलेटर देखो, 20,995 है इंटू 45%, फिर इसका 5% कैलकुलेट करके प्लस कर देने से आंसर आ गया 9920, ओके। और हम लोग दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट था 20,995, प्रॉफिट था 20,995 इंटू 47.25%, देखिए 9920 आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया आपका 9920। अब आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,075,
11,075। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस में जाके सरप्लस के साथ ऐड हो जाएगा। तो अब एक बार फिर से पीएल देख लो आप, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रख दिए, अदर इनकम को लिए, टोटल रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस कुछ था नहीं, फाइनेंस कॉस्ट लिए, डेप्रिसिएशन लाए, अदर एक्सपेंस लाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स निकाले, 5% सरचार्ज ऐड कर दिए, टोटल टैक्सेशन हो गया, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। सबसे पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा। करेंट लायबिलिटीज में चांस रहता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देन टोटल। इसके बाद फिक्स्ड एसेट आता है, टेंजिबल इनटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और भी आइटम हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और एक आइटम हो सकता है अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसको तब तक नहीं बना पाएंगे जब एक एक आइटम का, जब तक नोट्स टू अकाउंट ना दिखा जाए। तो सबसे पहले चलिए हम आपको नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपको नोट्स टू अकाउंट। एक नंबर नोट्स टू अकाउंट में बनता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंडर में आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल बोल के अपने क्वेश्चन में कोई डिटेल्स नहीं दिया है, फिर भी डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये आपका डॉट डॉट क्लोज। इसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में वही सब्सक्राइब वाला नंबर लिख देंगे, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2,00,000। क्लियर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को आप एक बार देख लो, इसमें लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, अब फिर इसमें लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसको आप एक बार समझ लो। ये देखिए, कोई ऑथोराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल नहीं था, ये जो शेयर कैपिटल है यही सब्सक्राइब्ड है, 20,000 शेयर, इसको इशूड में लिख दिए। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुल्ली पेड पूरा नहीं है, उसके पीछे रीजन है ये कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर में 1,000 शेयर, 3 रुपया करके एरियर है, तो इसका मतलब 20 में से 1,000 नॉट फुल्ली पेड अप है, तो 19 फुल्ली पेड अप है और 1,000 नॉट फुल्ली पेड अप है। क्लियर है, यहां देखिए लिखेंगे 19,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसको लिख देंगे फुल्ली पेड अप, ये 1,90,000, और यहां लिख देंगे 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसको लिख देंगे फुल्ली कॉल्ड अप, तो ये 10,000 हो जाएगा, और इसमें से कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देंगे। कॉल्स इन एरियर आपका 3,000 है, तो ये आपका 7,000, ऊपर 190 था, 197। क्लियर, तो शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप अलग लिखते हैं और नॉट फुल्ली पेड अप को उससे अलग कर देते हैं, कॉल सिनेरियर माइनस कर दिए। ये हो गया आपका शेयर कैपिटल का डिटेल। अब चलिए चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ।
रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ओपनिंग बैलेंस इसमें प्लस होगा करेंट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, तो आप एक बार देखो, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग 5000 है और करेंट ईयर प्रॉफिट जो हम लोग पीएल अकाउंट बनाए स्टेटमेंट ऑफ पीएल उसमें टैक्स के बाद जो आता है 11075 है। और प्लस और एक चीज आप देख लो, अर्लियर ईयर टैक्स हम लोग क्रेडिट किए हैं, ये तो अर्लियर ईयर टैक्स उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पहले ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस 5000, इसके अलावा आपका 11075 अब प्लस कर देते हैं अर्लियर ईयर टैक्स, अर्लियर ईयर टैक्स 1000, अब ये हो जाएगा आपका 17075। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड लेस होता है, कोई इंट्रीम डिविडेंड तो क्वेश्चन में नहीं है तो उसको माइनस नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां से ट्रांसफर टू रिजर्व का केस होने से माइनस किया जाएगा। ये देखो आप सिंकिंग फंड में क्रेडिट किया जाएगा 15000 और इंटरेस्ट के साथ जो पैसा होगा वो इन्वेस्ट होगा किंतु अगले साल 1 अप्रैल, इसलिए खाली कंट्रीब्यूशन करना है, यहां से लेस हो जाएगा, लेस दैट इज माइनस ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, 15000 सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा 2075। थोड़ा सिंकिंग फंड को देखिए, सिंकिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस क्लियर, इसका ओपनिंग बैलेंस था आपका 40800, इसमें प्लस इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इंटरेस्ट होता है तो इसी में प्लस कर देते हैं 2500 और ये ट्रांसफर वाला ये भी ऐड हो जाएगा 15000, तो ये हो गया आपका 58300। इसको आप एक बार देख लो, सिंकिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस देख लो 4800 और इंटरेस्ट देखिए 2500 और ट्रांसफर तो 15000 था ही, तो ये हो गया आपका सिंकिंग फंड। इसके अलावा रिजर्व सरप्लस का आइटम में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व आपका 80000 है और सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा नाम कर देते हैं रिजर्व, ये आपका 20000 है। ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, इसको ऐड कर देते हैं 2075 प्लस 58300 प्लस 80000 और 20000, 160375। थोड़ा सा आपको दिखा दे, जनरल रिजर्व देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम देख लीजिए, इसके अलावा ये देखिए 6% अनसिक्योर्ड डिबेंचर 2 लाख, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज नोट नंबर 3 है, नोट नंबर 3 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 6% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ये आपका 2 लाख, क्लियर। ठीक है, अब चलिए आगे नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, नोट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, अभी लायबिलिटी कंप्लीट नहीं हुआ है। नोट नंबर 4 ट्रेड पेएबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका था क्रेडिटर 23000,
ठीक है। नंबर पांच, अदर करेंट लाइबिलिटीज। अदर करेंट लाइबिलिटीज में, अदर करेंट लाइबिलिटीज एक आइटम था, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस वो 4,000 था, और एक टैक्स पेबल निकला था 2,000। ये हो जाएगा आपका 6,000। 6 नंबर में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करेंट ईयर का आपका आया था 9920। ओके, एक बार ये सब चीज आप लोग देख लो। ये देख लो, सन्ड्री क्रेडिटर ये ले लिए ट्रेड पेबल में, ये ले लिए लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस अदर करेंट लाइबिलिटी में, और एंट्री में देखिए टैक्स लाइबिलिटी आया था, इसको भी ले लिया अदर करेंट लाइबिलिटी में। अब एक बार क्रेडिट साइड आपको दिखा देते हैं। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये प्रोविजन फॉर टैक्स सेटल्ड हो गया, ये सब इनकम में था, डिबेंचर लिख दिए, पीएल अकाउंट हो गया, सिंकिंग फंड लिख दिए, क्रेडिटर इंटरेस्ट भी ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में फिलअप करने का कोशिश करते हैं। ये रहा आपका शेयर कैपिटल नंबर वन, शेयर कैपिटल में 1,97,000। रिजर्व सरप्लस नंबर टू, रिजर्व सरप्लस था 1,60,370,375। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर थ्री 2,00,000 था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग डैश ट्रेड पेबल नंबर चार, ट्रेड पेबल का आया था आपका 23,000। अदर करेंट लाइबिलिटी 5,000-6,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वो करेंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स था 9920। ठीक है, तो ये हो गया लाइबिलिटी। अब इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करके देखा जाए कितना इसका टोटल आया। टोटल इज 596,295। तो एक बार आप फिर से देख लो, शेयर कैपिटल लिए, रिजर्व सरप्लस लिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं था, ट्रेड पेबल लिए, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टोटल आ गया 596,295। अब हम लोग एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट बना के चेक करेंगे कि हम लोग का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नंबर सेवन करेंगे फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में सबसे पहले लैंड एट कॉस्ट 37,250, लैंड एट कॉस्ट 37,250, बिल्डिंग एट कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्लांट एट कॉस्ट माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एट कॉस्ट माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर है, तो पहले इसको आप एक बार समझो। ये देखो, बिल्डिंग कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन 150 है, और जबकि नीचे उसका डेप्रिसिएशन 5 है। ठीक, तो 5 प्लस कर देंगे, बिल्डिंग का 150, अब 5 प्लस कर देंगे तो 155, ये हो गया। उसका पुराना डेप्रिसिएशन जो प्लस किए थे वो 5 था, और करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन था आपका 3750, जो हम लोग पीएल में लिए, तो 8750, तो 8750 हो गया, तो 146,250।
ठीक। प्लांट का देखो 80, पुराना डेप्रिसिएशन देखो 45, 80 और 45 125। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 45 अब प्लस नया वाला आपका पीएल अकाउंट से 12,000, दैट इज 57, ये आपका 68, ठीक है। और एक बार देख लो आप, फर्नीचर 15, उसका प्रोविजन देखो 5, तो 15 5 20,000, प्रोविजन पुराना 5 और नया 1,500, दैट इज 6,500, 13,500, ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। पहले उसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें प्लस कर दिए, प्लस करके कॉस्ट पता चल गया, और फिर नया पुराना सारा डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं 2,65,000, ठीक है। नंबर 8, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में वो एक इन्वेस्टमेंट था सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 40,800, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 40,800। अच्छा, मार्केट वैल्यू भी बता दिया था, मार्केट वैल्यू रुपीज 42,000। मार्केट वैल्यू का कोई यूज नहीं है, सिर्फ उसको लिखना है। आप देख लो एक बार, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 40,800 और मार्केट वैल्यू देखो नीचे 42। ओके, अब इसके बाद आते हैं नंबर 9, इन्वेंटरीज, जो क्लोजिंग स्टॉक को लिया जाएगा। इन्वेंटरीज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर ही था, क्लोजिंग स्टॉक था आपका 65,000, क्लियर है। और हमको नोट्स लगेगा, अभी नंबर 9 तक हुआ। नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी नंबर 10 ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स को लेस देन 6 months और मोर देन 6 months में ब्रेकअप किया जा सकता है। आप देखो डेटर है 145 और यहां देखो 40,000 मोर देन 6 months है, तो 40,000 को मोर देन 6 months में डालेंगे तो यहां आपका 1,05,000 हो जाएगा, तो ये 145 हो गया, ठीक है। 11 नंबर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आपका है 5,600 और कैश एट बैंक है 68, दैट इज 73,600। लास्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स ईयर आपका 14-15। आप देख लो एडवांस इनकम टैक्स को एक बार, ये देखो एडवांस इनकम टैक्स था, ये 12,000 था प्रीवियस ईयर का, सेटलमेंट हो गया, अब 14-15 का 8,000, तो एडवांस इनकम टैक्स 8,000। अब ये जो नोट्स टू अकाउंट बना है, बैलेंस शीट में फिलअप करके हमको देखना होगा कि हम लोग का बैलेंस शीट एसेट्स विथ लायबिलिटी टैली करता है कि नहीं। ये आपका एसेट्स है, ऊपर देख लीजिए लायबिलिटी का टोटल 596,295 है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में 265,000, नोट नंबर 7, 265,000। इनटेंजिबल डैश है
इन्वेस्टमेंट नंबर 8 40 800, इन्वेंट्रीज नंबर 9 65,000, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल नंबर 10 1,45,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11 73,600, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस नंबर 12 8,000। वैसे भी टोटल मैच करने का पोजीशन नहीं दिख रहा है, आप देखो यहाँ 295 है, यहाँ कोई 295 का आइटम नहीं है, कोई आइटम छूटा है लगता है, उसको खोजना पड़ेगा। ओके, एक आइटम हम लोग मिस किए हैं, अगर आपको याद हो तो एमडी रेमुनरेशन था 1105। एमडी रेमुनरेशन कैलकुलेट किए थे नेट प्रॉफिट के ऊपर, पीएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस के रूप में आया, इसके अलावा बैलेंस शीट में आना चाहिए इसको अदर करेंट लायबिलिटी में, अदर करेंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एमडी रेमुनरेशन, आउटस्टैंडिंग एमडी रेमुनरेशन 1105, तो ये हो जाएगा आपका 7105, दैट इज 7105, ये आपका बैलेंस शीट में आएगा। ओके, एमडी रेमुनरेशन छूटा था हम लोग को, रिकॉर्ड करना भूले थे, अदर करेंट लायबिलिटीज में एमडी रेमुनरेशन ऐड करने के बाद 7105, देन इसका टोटल भी चेंज हो जाएगा 596,295 प्लस 1105 प्लस किए 597,497,400, एसेट्स का टोटल आ ही रहा था 597,400, ठीक है। तो कोई भी आइटम अगर अपने को रिकॉर्ड करना छूट जाए तो इससे हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करता, जो इजीली डिटेक्ट कर सकते हम लोग कि हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर किए हैं, तो हम लोग का एरर हुआ था एमडी रेमुनरेशन, हम लोग अदर करेंट लायबिलिटी में लिखना भूल गए थे। ओके, ये देखिए आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का टोटल रेक्टिफाई कर दिए 597,400, एसेट्स हो गया 597,400। बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट को खूब केयरफुली ध्यान से बनाना होगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू, बाय।